को लेकर इस वक्त बड़ी खबर यह कि राहुल गांधी यूपी के रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ने का अभी ऐलान नहीं हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर है लोकसभा चुनावों को लेकर इंतजार जिसका किया जा रहा था, संशय लगातार बना हुआ था रायबरेली सीट को और अमेठी को लेकर, कि पहले ये भी कयास थे कि प्रियंका गांधी भी इस बार मैदान में उतर सकती हैं, अमेठी से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी यूपी के रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रियंका गांधी के बारे में अभी कुछ कहा नहीं, अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। तो राहुल गांधी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रणबीर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणबीर, जिस बात को लेकर संशय बना हुआ था, इंतजार इन दो सीटों को लेकर काफी वक्त से किया जा रहा था, अब तय हो गया है और साफ हो चुका है। जी बिल्कुल, साफ हो चुका है। रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार का जो गढ़ कहा जाता है, वहां पे अब फिलहाल अमेठी से गांधी परिवार से कोई नहीं लड़ेगा, बल्कि गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा वो चुनाव मैदान में होंगे और सामने होंगे भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी। वहीं अगर रायबरेली सीट, जहां से सोनिया गांधी अब तक सांसद थी लेकिन इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं, वहां से राहुल गांधी को चुनाव लड़ने आ रहे हैं। और ये भी साफ हो गया है कि प्रियंका गांधी 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो नहीं लड़ेंगी, क्योंकि अब तक कयास इस बात के थे कि प्रियंका हो सकता है रायबरेली से चुनाव लड़ जाए, लेकिन अब फिलहाल राहुल गांधी का नाम तय करके घोषित कर दिया गया है और प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो अमेठी सीट से किशोरी लाल शर्मा और रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव मैदान में होंगे और आज लगभग 11 बजे के आसपास गांधी परिवार पहुंचेगा रायबरेली और अमेठी के बॉर्डर पर, फुर्सतगंज हवाई पट्टी पर स्पेशल प्लेन से, और वहां पहुंचने के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों पहुंचेंगे रायबरेली, और रायबरेली में नामांकन होगा और नामांकन के साथ ये तय हो जाएगा कि सोनिया गांधी की सीट पर अब उनके बेटे पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव मैदान में होंगे। और राहुल चूंकि इस बार वायनाड से भी चुनाव लड़े हैं, इसलिए पॉलिटिकली ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली से अगर चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीतने के बाद रायबरेली सीट खाली कर देंगे, क्योंकि उन्हें वायनाड रहने में ज्यादा दिलचस्पी है। और जब राहुल रायबरेली की सीट खाली करेंगे तो यहाँ प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में आ सकती हैं, और प्रियंका गांधी के चुनाव मैदान में आने के बाद वो अपनी माँ के पहुंचेंगी, वहीं राहुल गांधी वायनाड से संसद भवन में होंगे। तो राहुल और प्रियंका की जोड़ी संसद भवन में अगले 6 महीने के बाद दिखाई दे सकती है, इस तरह के एक पॉलिटिकल आकलन किया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने रायबरेली सीट चुनी है और रायबरेली से सांसद बनकर वो अगर वायनाड को चुनते हैं तो प्रियंका गांधी के लिए संसद जाने का 6 महीने के अंदर एक रास्ता खुला रहेगा। और यही जो थ्योरी है, इस पर फिलहाल कांग्रेस के जो बड़े नेता और वो मान रहे हैं कि ये ऐसा ही कुछ आने वाले 6 महीने के भीतर होने वाला है। जी रणवीर, अमेठी रायबरेली गांधी नेहरू परिवार का पारंपरिक क्षेत्र है, कई दशकों से इसी परिवार ने प्रतिनिधित्व इन दोनों जगहों का किया है। ऐसे में अगर हम 2019 की अमेठी की बात करें तो यहाँ पर स्मृति ईरानी को जीत मिली थी, ऐसे में इस बार कितनी चुनौती कांग्रेस के लिए इस सीट पर रहेगी? देखिए, अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी को थोड़ी सहूलियत जरूर हो गई है, क्योंकि जब गांधी परिवार से कोई होता, चेहरा बड़ा होता, नाम बड़ा होता, तो चुनाव भी बहुत बड़ा हो जाता। लेकिन चूंकि किशोरी लाल शर्मा सज्जन व्यक्ति हैं, गांधी परिवार के करीबी हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी छवि है, उनको एक प्रत्याशी के तौर पर अभी फिलहाल अमेठी की जनता स्वीकार कर ले और ये मान ले कि प्रतिनिधि के तौर पर ही सही, लेकिन किशोरी लाल शर्मा गांधी परिवार को रिप्रेजेंट करेंगे।